मम्मी जी और बसंत जी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। गीता बताओ क्या बात है। आज पहली बार हमने और मम्मी जी ने पूरी ईमानदारी और सच्चे दिल से एक दूसरे से बात की और हमने ये पाया कि ये मम्मी जी वो नहीं है जिन्हें हम जानते थे। ये पूरी तरह से बदल चुकी है। चलिए अब बहुत रोना धोना हो गया, आप आराम भी करना चाहती होंगी ना, बहुत रात हो गई, चलकर आराम करते। चलिए। नहीं बेटी, एक और चीज जिसे हम बहुत जल्द निपटा देना चाहते हैं। क्या मम्मी जी? हम चाहते हैं कि हम भगत परिवार को विद फुल रिस्पेक्ट ई घर वापस सौंप दें। पापा, मम्मी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा लग रहा है। देखे मनसा सही हो तो भगवान फल जरूर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। समधी जी, ये घर आपकी अमानत है, हमेशा रहेगी। लीजिए तिजोरी ये चाबी, अब ये घर आप लोगों के पास सुरक्षित। समथन जी, ये घर हमारा ही नहीं आपका भी है। पापा, ये घर हमारा मायका है और जो घर हमारे लिए प्रिंस जी ने चुना है वो हमारा ससुराल। लेकिन एक बात है, हम इतनी आसानी से एक घर को लीव नहीं करेंगे। हाँ, अरे हमारा कहने का ही मतलब है कि हमने और हमारी बहुरिया ने कुछ डिसाइड किया, एक प्लान बनाया है। अब बताओ। हमने और मम्मी जी ने ये डिसाइड किया है कि हर एतवार को पूरा परिवार इकट्ठे बैठकर खाना खाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इजाजत दीजिए। आइए मो, देखिए ये रहा हमारा नया घर। क्या बात है मालिनी, थोड़ा बेचैन दिख रही हो, जगह पसंद ना आया का? माथा में कुछ और चल रहा है, प्लानिंग बदलने का सोच रही हो का? कि डॉक्टर साहब का घर में एक बार फिर से कब्जा कर लें। नमस्कार सुदर्शन जी। नमस्कार। नमस्कार। पापा, मम्मी आइए ना, कैसे आप? ये देखो भाई, हमारी ये बिटिया भी बोलने लगी। अच्छा अच्छा, चलिए अब खाने की मेज पर बैठ के बात करते हैं। हाय हाय। मान लीजिए आप बैठे ना। अरे नहीं नहीं, आप बैठे, हम बहुरिया के साथ बाद में खाना खा लेंगे। अरे अरे क्या हुआ? हम देखकर आते हैं, आप लोग फिक्र मत करिए। दवा लेके बेटा, ठीक है ना? आप सबके लिए खुशखबरी है, कृष्णा के साथ खेलने के लिए एक और नन्ना मुन्ना आने वाला है। भैया आप पापा बनने वाले हैं। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं। अरे सतर इतना कहे, जब आएगा तो अपनी हंसी से सबको खुश करेगा। हाँ, फिर बोथ फैमिलीज टुगेदर हमेशा हमेशा रहेंगे, है कि नहीं? लव बढ़ेगा। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कितनी अकेली हो गई हूँ मैं। अरे कैसी बातें बोल रही हैं भाभी? नहीं गीता, अब कुछ ठीक नहीं होगा। बेहतर यही है कि काम में हमें और हमारे परिवार को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाए। अगर ये अपनी मनमानी करेगी तो हम भी अपनी मनमानी कर सकते हैं। निकल जाओ काम यहाँ से। एकदम राइट, एकदम। अरे इसके साथ तो ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए।
और अगर अभी भी नहीं सुधरी ना तो इसको आप ये घर से गेट आउट करवा दीजिए। हम फुल सपोर्ट देते हैं आप। राहुल, प्लीज मुझे घर से मत निकालो। मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊं? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी मम्मी जी, सॉरी पापा जी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं एक अच्छी बहू, अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ बन के दिखाऊं। देखो जो गुस्सा हुआ ओके, हाल तो नहीं है। हैप्पी चाइल्ड डे, है कि बहुरिया जी? मम्मी जी, हम तुमको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। का देख कल